और टाइगर साहब बता दो कितने किलोमीटर अभी तक राइड हो चुकी है। 739 किलोमीटर घर से निकल के राइड हो चुकी है। ट्रिप बी आज जीरो कर लेते हैं, देखते हैं जैसलमेर यहाँ से कितना हो रहा है एग्जैक्टली। बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं और चेन को लूपी कर लेते हैं। सो टुडे इज 1 जनवरी 2021, सो हैप्पी न्यू ईयर पीस ब्रोस। हैप्पी न्यू ईयर। सो एज यू कैन सी वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर जैसलमेर फ्रॉम जोधपुर। बाइक भी ऑल सेट है, साडे भी ऑल सेट है। 250 किलोमीटर के अराउंड जैसलमेर है यहाँ से। रास्ता काफी स्मूथ है और बीच में पोखरण होते हुए जाना है। बाइक के चेकलिस्ट में पोखरण है तो पोखरण होते हुए निकल जाएंगे। बीच में ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लेते रहेंगे ताकि वीडियो भी थोड़ा आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगे। और कल नाइट का जो एक्सपेंस था मेहरानगढ़ फोर्ट पे जो जिपलाइन किया था वो था पर पर्सन 2000। फोर्ट और जसवंत थाड़ा का विजिट का 150 रुपीज है। डिनर का था 500 के अराउंड। सो टोटल हो रहा है 2700 अराउंड। एंड अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और कुछ कहना है आज के लिए? बस निकलते हैं, वहां जाके बोलते हैं पीस ब्रो पीस। और देख लो यहाँ पे बहुत सारे मच्छरों की लाश गिर चुकी है। अपना टाइगर है ना, वाइट टाइगर, बहुत सारे मच्छरों की जान ले चुका है। सो दैट्स इट एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। ठाकुर साहब कुछ भी बोलो यार, पैनियर से लाइफ बहुत इजी हो जाती है राइडिंग में। तो शेज भाई ये ग्लव्स है ना भाई, लेदर वाले बहुत हार्ड हो गए भाई। अपन भी हार्ड, ग्लव्स भी हार्ड। आगे से निकल जाएगा ना भाई, यहाँ से निकल लो, इधर से आ जाओ ठाकुर साहब। हाँ कुछ भी बोलो भाई, ठाकुर साहब का स्वैग है भाई। ऑल ब्लैक घोड़ा ठाकुर साहब का। ब्लैक पैंथर अपना, वाइट टाइगर है। वाइट टाइगर है, बढ़िया। अभी इसको ब्लैक बनाना है, लेकिन तो ब्लैक ही बढ़िया लगेगा। ठाकुर तो घी हो। ठाकुर कहाँ पे जा रहे हो आज? आज जा रहे हैं अपने को जैसलमेर। हाँ खम्मागणी रंगीला राजस्थान राइड जो अपना चल रहा है उसका कितना दिन हुआ आज? फोर्थ डे। ओके ठाकुर साहब, 70 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, अभी कहीं पे मुड़ना नहीं है, फिर 70 किलोमीटर के बाद में राइड लेना है। ओके सो वी आर टेकिंग राइट फॉर पोखरण। हम लोगों ने 69 किलोमीटर राइड कर लिया है होटल से, जोधपुर से, और यहाँ से राइट लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि पोखरण जाना है। अरे गाय माता, साइड में आ जाओ, ऐसा मत करो। गाइस इफ़ यू आर राइडिंग ओवर हियर देन ध्यान में रखो, बहुत सारे कुत्ते गाय बकरी रास्ते में आते रहेंगे, तो सेफली राइड करो, सेफली ध्यान अटेंशन पूरा रास्ते पे रख के। जयपुरी पनीर कढ़ाई तवा रोटी विद बटर। 80 किलोमीटर राइड कंप्लीट हो चुका है और इन बिटवीन लंच के लिए रुके हैं। सुबह में सिर्फ चाय पी के निकले थे होटल से, तो लंच कर लेते हैं। और दो तीन दिन से भाई लोग ने हमें लंच नहीं करवाया था वैसे। भाई 1 किलोमीटर, भाई 5 किलोमीटर, भाई 10 मिनट, भाई 1 घंटा करके लंच स्कीप हो रहा था दो दिन से। आज पेट भर के लंच करेंगे। और ये बढ़िया रेस्टोरेंट है यहाँ पे, होटल मारवार। बाइक दिख रही है, पार्किंग अच्छा है, होटल अच्छा है और फूड भी टेस्टी है। और हाँ, अभी जो आपने ड्रोन शॉट देखे, अगर ड्रोन शॉट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, बहुत रिस्क लेकर ड्रोन शॉट ले रहा हूँ। अभी भी कबूतर
ड्रोन को क्रैश करने वाले थे, लेकिन कैसे तैसे करके मैं ड्रोन को नीचे लेके आ गया सेफ एंड साउंड। क्या हो गया? ठाकुर साहब खाना कैसा है? बढ़िया बढ़िया। वो देखो वो पीछे के और एक, और ये एक दो शेर है, और अपने साथ भी एक शेर बैठा है। देखो वो शेर के बाल देखो यहाँ पे, और ये शेर के बाल देखो। शेर जैसे बाल और शेर जैसी नजर, उनकी नजर घूम ही जाती है, जहाँ पे देखना होता है वहाँ पे प्रॉपरली देख लेते हैं। प्लीज ब्रो, प्लीज ब्रो। लंच का बिल था 1000 यानी कि 250 पर पर्सन। अभी जल्दी से निकलते हैं पोखरण के लिए, और 1.5 घंटे में पहुँचना है पोखरण कैसे भी करके। ठीक है भाई, 90-100 डालना। नहीं भाई, 80 से ऊपर अपनी गाड़ी नहीं जाएगी। जाएगी 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 जाएगी, अपनी तो जाती है। ये इन लोगों को कोई समझाओ यार, थोड़ा कमेंट में डालो कि थोड़ा फास्ट चलाए। 80 पे ही चलाते हैं यार, मैं 90 पे बोलता हूँ, 100 पे बोलता हूँ, फिर भी मना कर रहे। उम्र भी हो गई ना अभी, 50 से ऊपर निकल गए भाई, बोल भी नहीं सकते चलाओ ज्यादा। जैसलमेर 180 किलोमीटर। भाई देखो लेफ्ट साइड पे बहुत सारी राई है, राई राई का पहाड़ वाली राई का पहाड़ वाली राई। मुहावरा क्या है? राई का पहाड़। हाँ, राई का पहाड़ बना देते हो, मतलब छोटी बात है, लेकिन इतना बड़ा खींच लेते हो आप, इसका कुछ है ही नहीं ना, बिना सर धड़ वाले की बात करते हो। और ये लोग भी यहाँ पे राई बना रहे हैं, लेकिन पहाड़ पे नहीं बना रहे ये लोग। पहाड़ पे, पहाड़ पे लोग बना देते हैं ये पहाड़ पे। भाई ड्यून सीखने लगी है, सैंड ड्यून। हिरन, हिरन है ना भाई, हिरन था ना। ओ माय डियर, रास्ते पे ऐसे कैसे चल रहे हो डियर। ओके सो 6 किलोमीटर है यहाँ से पोखरण सिटी। रिफिलिंग करवा दे भाई। हाँ ठाकुर साहब, मेरा भी खत्म होने ही वाला है अभी, 40% है, मैं भी डलवा ही देता हूँ यार, लेकिन उन लोगों के लिए वेट करता हूँ ना, आप डलवाओ, मैं उन लोगों का वेट करता हूँ। बस 96 रुपीज पर लीटर, 890 for 9.25 लीटर। ओके ठाकुर साहब, सुना आपने? सुना। ये पोखरण साइड, पोखरण सिटी है राइट में, अपन को लेफ्ट मार के जैसलमेर की ओर ही जाना है। उसी रोड पे कोई गांव आएगा, वहां से अंदर 40 किलोमीटर अंदर है न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली साइट। परमिशन चाहे कि नहीं मिलती? हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, वो मिलेगी नहीं, जाने नहीं देते वैसा कुछ है। सो पोखरण से अभी अपन जैसलमेर मार देते हैं, ठीक है? 1 hour 59 minutes। ओके सो गाइस, अभी हम लोग पोखरण में है, और एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है। असीम देसाई की जो बाइक है उसका मेन इग्निशन की लाइन का कुछ वायर कट हो गया है, तो अभी एक्स्ट्रा स्विच डलवा रहे हैं। उनकी कॉकपिट में ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 और 1.5 सारी स्विच है, और एक स्विच वो एक्स्ट्रा डलवा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पोखरण सिटी काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह मिल जाएंगे सर्विस। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, छोटा सा ब्रेकडाउन था, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू था नहीं। और आस्तिक भाई, और 2-4 स्विच आप में भी एक्स्ट्रा लगवा दे देना भाई। अरे 2-4 स्विच आप भी डाल दो यार, आप में ऑलरेडी 5-6 स्विच तो आप में भी है, 2-3 और डाल दो। एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा, मुझे भी कभी इशू हो सकता है वायरिंग का, और ये वायर भी एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे अभी। लेकिन करवाते क्यों हो इतना बड़ा वायरिंग भाई? ये अरोरा है आपके पास एक्स्ट्रा लाइट में, फिर भी दूसरी 5 लाइट लगा के जाओगे कहाँ पे आप? जाएंगे तो बहुत जगह पे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अंधेरा काफी रहता है भाई, तो लगाना पड़ता है, आप समझते नहीं हो यार। मतलब आप अंधेरे में ज्यादा जाते हो तो लगाना पड़ता है, मतलब क्या लगाना पड़ता है? लाइट लाइट भैया, तुम भी सोचते हो यार। हाँ भाई जो आनो सो बापू, हाँ एवं सो
ओके सो गाइस, जैसलमेर 60 किलोमीटर बाकी है अभी, और बीच में कहीं पे स्पीड ओवर स्पीडिंग के लिए फाइन मार रहे थे पुलिस। हम लोगों को तो नहीं पकड़ा गया क्योंकि हमारी स्पीड 80-90 पे ही थी, ज़्यादा थी नहीं। लेकिन अगर आप कार में आ रहे हो तो स्पेशली ध्यान में रखो, ओवर स्पीडिंग का फाइन लगेगा बाबा। बाइक और कार का स्पीड लिमिट है 80 और ट्रक्स वगैरह का 60 का है ना। रास्ता काफ़ी सीधा है ना, एकदम स्ट्रेट और काफ़ी स्मूथ रोड है। वाइल्ड एनिमल्स आते जाते रहते हैं, इसीलिए स्पीड लिमिट रखा है भाई। रास्ते बहुत बढ़िया है और एज यू कैन सी पूरे ऐसा इतना टर्न, छोटा सा और बाद में सीधा रास्ता। मज़ा आ रहा है राइड करने में, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। कुछ भी बोलो ठाकुर साहब के साथ बहुत सही जा रही है। ठाकुर के आपके साथ इंटरकॉम पे बात करते करते रास्ता कहाँ पे कट जाने वाला है मालूम नहीं पड़ने वाला आज। और ठाकुर साहब अपने देसी स्टाइल में कुछ उनका स्लैंग है उसमें बात कर रहे, तो ठाकुर साहब एक दो बात सुना दो उस स्लैंग में वापिस। देखो अगेन सीधा रोड स्ट्रेट, वाह भाई वाह। ओ भाई साहब क्या व्यू है भाई। ड्रोन शॉट तो बनता था यहाँ पे, लेकिन आर्मी के बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं यहाँ से, सिक्योरिटी रीजंस लग जाएंगे। ओ देखा, ये देखा कबूतर, देखा अभी देखा भाई। बहुत सारे बर्ड जो है ना हेलमेट के आगे से पास हो रहे हैं सुबह से, और बहुत सारे गाय बकरी भेड़ वो भी रास्ते में आ रहे हैं। नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत, नगर विकास न्यास जैसलमेर। बज रहे कितने 5:40 इन द इवनिंग और हम लोग फाइनली जैसलमेर पहुंच चुके हैं। ठाकुर साहब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो पीस क्रॉस जैसलमेर पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं हॉस्टल में आ गए हूँ डायरेक्टली। हालांकि यहाँ पे रूम्स तो अवेलेबल है नहीं, तो डिनर करते हैं यहाँ पे रूफ टॉप कैफे में ये व्यू के साथ। अगर बाइक का ब्रेकडाउन ना होता और इवनिंग में जल्दी आ जाते तो सनसेट के व्यू के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन सेट करने का चेकलिस्ट था मेरा, बट राइडिंग है चलता रहता है, एक दो दिन आगे पीछे होते रहता है, अभी नहीं तो कोई और बार देख लेंगे। और हाँ, अगर आप जल्दी आ जाते हो तो यहाँ पे गढ़ी सागर लेक है, यहाँ पे आगे लेक है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वहाँ पे आगे लेक है, उसमें आप बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे सिटी व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, सनसेट पॉइंट बनाया हुआ है, वो सब आप डे टाइम में अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे। फोर्ट भी है यहाँ पे, जो सब अभी बंद हो चुका है। लेट्स सी कल कैसा रहता है, ट्राई करेंगे कि सुबह में फोर्ट घूम ले और ये आपको दिन में ये वाला व्यू दिखा दूँ। और हाँ, हो सके तो मैं ड्रोन फ्लाई करके आपको प्रॉपरली जैसलमेर का पूरा व्यू दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में बर्ड्स का बहुत पंगा है। बर्ड्स जो है वो अटैक कर देते हैं ड्रोन पे, तो उसकी वजह से ड्रोन क्रैश हो जाता है ना, बहुत पंगा है। सो लेट्स सी क्या होता है। कल तो होने तो आपका पीस ब्रो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके आपको अच्छे व्यूज़ दिखा ही देगा। और हाँ, अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो फोर्ट के अंदर स्टे करो, यहाँ पे सब कैफ़े रेस्टोरेंट होटल सब कुछ है। इंडिया का वन एंड ओनली लिविंग फोर्ट जैसलमेर में है,
तो ये एक्सपीरियंस करना मत चूकना। 31st और न्यू ईयर्स की वजह से आज सब फुल है, तो हम लोगों को यहाँ पे रूम इजीली मिल नहीं रहा है। अगर आप आ रहे हो तो एडवांस में बुकिंग करवा के आओ और फोर्ट में स्टे का मज़ा लेना मत चूकना ब्रोस। अगर आज के बजट की बात करें तो 900 रुपीज़ पेट्रोल, 250 रुपीज़ लंच, 500 रुपीज़ के अराउंड डिनर होगा और 700 रुपीज़ का होटल है। टोटल 2000 से 2500 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं ये सिटी व्यू के साथ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विद पीस ब्रो, पीस। ठाकुर साहब दिस इज नॉट फेयर यार, एवरीथिंग इज फेयर। ठाकुर साहब का डायलॉग है भाई, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर एंड लवली, एवरीथिंग इज फेयर एंड लवली।